अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गोइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने वेब डिवेलपमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहली लैंग्वेज थी हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू किया था और एक टैग था हमारे पास, स्क्रिप्ट टैग। लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गई मैं, व्हाट इज स्क्रिप्ट, क्या है स्क्रिप्ट। बेसिकली है रिएक्शंस। वैसे मूवी में या ड्रामा में आप देख रहे होंगे कि वो रो रहे होते हैं, या कोई कॉमेडी सीन करते हैं, या हंसते हैं, कोई रोमांटिक सीन हो रहा होता है, तो वो सब किस बेस पे हो रहा होता है? वो स्क्रिप्ट का एक पार्ट होता है। वो खुद से नहीं कर रहे होते, ना वो सच में रो रहे होते हैं, ना वो सच में हंस रहे होते हैं, वो स्क्रिप्ट का एक पार्ट होता है। यानी कि जो चीज़ स्क्रिप्ट में राइट कर दी गई है वो आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है, एज इट इज़। सेम इसी तरह जावा स्क्रिप्ट में, यानी कि जो हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग था, स्क्रिप्ट भी सेम यूज़र की इंटरेक्टिविटी के लिए है कि जो आप स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे वही रिज़ल्ट आपको शो होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ बेसिक से रूल्स आपके साथ शेयर किए थे मैंने, जिसमें आपको मेथड मैंने बताया था टेक्स्ट को राइट करने का, इंटीजर्स को यानी कि नंबर्स को राइट करने का, तो वो सब एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, लाजमी लाजमी एंड लाजमी। तो स्क्रिप्ट का आपको पता चला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। व्हाट इज़ वेरिएबल इन जावा, यानी कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वेरिएबल्स बोलते हैं नाम को, एक ऐसा नाम जिसकी पहचान कुछ है लेकिन रिज़ल्ट वो कुछ देता है। पहचान कुछ है और रिज़ल्ट कुछ और है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ प्रूफ करूँगी, डोंट वरी, एग्जांपल दूँगी, समझाऊँगी, रोल्स समझाऊँगी वेरिएबल्स के, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अभी वर्ड्स में बता रही हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऐसे नाम होते हैं जिनको कोई वैल्यू दे दी जाती है। जैसे कि मैंने कहा स्कूल नेम इज़ इक्वल टू गेट ऑफ नॉलेज, तो स्कूल नेम क्या है इज़ इक्वल टू गेट ऑफ नॉलेज क्या है। स्कूल नेम इज़ इक्वल टू, जो गेट ऑफ नॉलेज मैंने अभी पूरा एक सेंटेंस बोला है, बेसिकली ये पूरा एक वेरिएबल है। स्कूल नेम मेरे पास नेम है इज़ इक्वल टू, जो मैंने गेट ऑफ नॉलेज बोला वो मेरे पास एक वैल्यू है। यानी कि वेरिएबल्स एक ऐसे नाम हैं जिनको कोई वैल्यू साइन कर दी जाती है और उन वेरिएबल्स को हम कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं, एंड दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, और ये कंडीशंस की बेस पे आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब जो वेरी कर सकते हों, ठीक है। वेरिएबल्स को एक वैल्यू साइन कर दी जाती है, वो साइन की हुई वैल्यू को हमें कहीं और कॉल करवाना होता है। एक्चुअली हमें कॉल करवाना होता है वेरिएबल, लेकिन शो होती है उसकी वैल्यू। नाम हम कॉल करवाते हैं, वैल्यू हमें रिज़ल्ट के तौर पर शो होती है। मैं अभी आपको इस चीज़ को प्रूफ भी करूँगी। तो चलते हैं अडॉप्ट ड्रीम वीवर की तरफ, ताकि मैं आपको वेरिएबल्स सिखा सकूँ और उसके बेसिक रूल्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। अडॉप्ट ड्रीम वीवर, होप्स हो कि आपने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा, कोई डिफ़िकल्टी हो तो लाजमी पूछिएगा। अडॉप्ट ड्रीम वीवर को मैंने ओपन किया है ऑलरेडी, ये देखें ओपन कर लिया। सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइटल दे देना है। लास्ट वीडियो में भी हमने टाइटल नहीं राइट किया था। यहाँ पे आप जावा स्क्रिप्ट ऐड कर दें बेशक, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ही हम सीख रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट मैंने राइट कर दिया। टाइटल मैंने दिया जावा स्क्रिप्ट। अब आपको एक बात, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्ट्रक्शन ही है, वो ये कि आपने वेरिएबल्स लिखने हैं हेड टैग के इनर साइड, यानी कि टाइटल टैग के बाद, और उन वेरिएबल को कॉल करवाना है आपने बॉडी सेक्शन में। वेरिएबल्स बनाने कहाँ हैं,
हेड सेक्शन में टाइटल टैग के बाद स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए, और उन वेरिएबल्स को कॉल करवाना है बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए। सबसे पहले टाइटल टैग के बाद आप स्क्रिप्ट टैग लगाएं। एक वेरिएबल बनाया है, स्कूल नेम इज़ इक्वल टू गेट ऑफ नॉलेज। इस पूरे को बोलते हैं वेरिएबल। ये हमारे पास नेम इस इक्वल के बाद गेट ऑफ नॉलेज हमारे पास है वैल्यू। ठीक है, पूरा क्या है हमारे पास वेरिएबल। इस लेफ्ट पार्ट को बोलते हैं नाम और राइट पार्ट को बोलते हैं वैल्यू। अब ये जो वेरिएबल बनाया है हमने, इसको हमें कॉल करवाना है कहाँ पे, बॉडी सेक्शन में। यहाँ स्क्रिप्ट टैग का यूज़ पहले आपने लाजमी करना है। बॉडी सेक्शन में लिखा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी चीज़ आपने लिखनी है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, उसके लिए आपने करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़। जैसे कि ये वेरिएबल बना है, इस वेरिएबल को कॉल करवाना है, तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट की, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दी, स्टेटमेंट क्लोज़र भी लगा दिया। अब हमें इस वेरिएबल को कॉल करवाना है, तो मैं किसे कॉल करवाऊँगी, स्कूल नेम को। मैंने यहाँ लिखा स्कूल नेम, वेरिएबल कॉल हो गया। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पे डबल डी नहीं आना था, सिंगल डी आना था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सी भी डबल लिखा हुआ है, ये देखिए अब ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर लें। जावास्क्रिप्ट के नाम से, जावास्क्रिप्ट 1 के नाम से सेव कर लें। .html राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अडोब ड्रीमवीवर पे, और अडोब ड्रीमवीवर हमें ये सहूलत देता है कि वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही html ख़ुद ही लगाएगा, सेव कर लेगा। सेव किया इसको, ये है जावास्क्रिप्ट 1। इसको मैं ओपन करती हूँ गूगल क्रोम पे, देन आपको व्यू दिखाती हूँ कि हमने क्या डन किया है अभी तक। वेरिएबल एक बनाया, उसको कॉल करवाया, लेकिन रिज़ल्ट देखा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जस्ट टाइटल लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं शो हो रहा? आपने सबसे पहला जो रूल है वेरिएबल को राइट करने का, कि अगर आप कोई टेक्स्ट राइट करवाना चाहते हैं, तो आपने इसकी वैल्यू को, या तो इसको बनाना है आपने स्ट्रिंग, या तो सिंगल कोट का यूज़ कर लें, या आप डबल कोट्स का यूज़ कर लें। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट राइट किया है। इसको करते हैं सेव कंट्रोल एस से, और इसको यहाँ पे आके करते हैं रिफ्रेश, फिर भी कुछ नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे डबल एम लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट में जस्ट 1 M आता है। अब इसको कंट्रोल एस करें एंड रिफ्रेश करते हैं, तो गेट ऑफ नॉलेज आ गया। तो ये वेरिएबल का फर्स्ट रूल था कि आपने जब कोई टेक्स्ट राइट करवाना है, तो आपने उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, ये देखें, अब ये सिंगल कोट के साथ मैंने इसको राइट किया था, ये आ गया। अगर मैं अब इसको डबल कोट्स करूँ, तो कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, मिस्टेक क्या है? एस राइट कर दिया साथ। अब आपने चीज़ को नोट करना है कि एक छोटी सी मिस्टेक है, जस्ट एस साथ राइट हो गया,
तो वो सब कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आपने इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अब एस को रिमूव कर दिया, अब आप इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास आ गया गेट ऑफ नॉलेज। इट्स मीन के फर्स्ट रूल हमें ये समझ आया कि किसी वेरिएबल में अगर आप वैल्यू देते हैं तो उस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में राइट करना है, यानी कि उसको आपने स्ट्रिंग बनाना है। ठीक हो गया, एक रूल आपको समझ आया कि अगर आप वैसे ही लिखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं आएगा। ओके, सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी। पेस्ट, एक और वेरिएबल बनाया, स्कूल नेम इज इक्वल टू दारे अरकम, वेरिएबल बना लिया। मैंने आपको कहा था मैं आपको प्रूव करूंगी कि वेरिएबल एक ऐसा नाम है जिसकी पहचान कुछ है लेकिन रिज़ल्ट कुछ और शो होता है। तो आपने देखा कि वेरिएबल मैंने ये बनाया, ठीक है, लेकिन इसकी पहचान कुछ थी और रिज़ल्ट कुछ और था, ठीक है, यानी कि इसकी जो अंदर वैल्यू है वो शो होती है। तो अब सेकेंड वेरिएबल बना लिया है, अब इसको यहाँ पे कॉल भी इसी तरह से करवा लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लें बेशक, ठीक है, टाइम की बचत हो जाएगी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, वेरिएबल का नेम स्कूल नेम ही है, मैंने स्कूल नेम ही रहने दिया। इसको आप कंट्रोल एस से करें सेव, रिफ्रेश, तो हमारे पास दो दफ़ा आ गया दारे अरकम, जबकि मैंने तो यहाँ पे एक दफ़ा गेट ऑफ नॉलेज कहा था, एक दफ़ा मैंने दारे अरकम कहा था, लेकिन हुआ क्या है, दो दफ़ा दारे अरकम राइट किया हुआ आ रहा है, गेट ऑफ नॉलेज ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो क्यों नहीं शो हो रहा। अब ये हमारे पास है सेकंड रूल कि हम एक ही नाम के दो वेरिएबल कभी भी नहीं बना सकते। स्कूल नेम, स्कूल नेम दो नाम है ना, एक जैसे दो वेरिएबल हैं लेकिन एक ही नाम के। तो सेकंड रूल ये है कि एक ही नाम के दो वेरिएबल कभी भी आप नहीं बना सकते। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये केस सेंसिटिव है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेती है, नोट डाउन करती है, तो वही बात है कि ये केस सेंसिटिव है। इसने क्या कहा कि दो नेम, एक ही जो है दो नेम नहीं शो कर सकते आप, नहीं कॉल करवा सकते। तो मैं जस्ट इसको अब एस को कर लेती हूँ कैपिटल, और जहाँ मैंने इसको कॉल करवाया है उसमें भी जाके इसको कर लेती हूँ कैपिटल। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो गेट ऑफ नॉलेज भी आ गया और दारे अरकम भी आ गया। वेरिएबल्स की आपको समझ आ गई होगी, वेरिएबल्स के दो रूल मैंने आपको बताए, एक तो आपने स्ट्रिंग बनाना है सिंगल कोट या डबल कोट, दूसरा रूल के एक ही नाम के दो वेरिएबल आपने नहीं बनाने। इसी तरह इसकी कॉपी करें, मैंने फिर से लिखा स्कूल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू को चेंज कर लें बेशक, कंट्री स्कूल मैंने राइट कर दिया, स्कूल नेम राइट कर दिया, ठीक है, और स्पेस ऐड कर दी है। इसको नीचे कॉल भी करवा लें, वेरिएबल बनाते जाएं, नीचे आपको कॉल भी करवाना है। इसी की कॉपी करें, पेस्ट करें, और यहाँ पे जस्ट आपने क्या ऐड कर देना है, स्पेस, क्योंकि वेरिएबल में मैंने यहाँ पे नाम में क्या ऐड कर दिया है, स्पेस, तो मैंने यहाँ पे भी स्पेस ऐड कर दी है। कंट्रोल एस से आप कर लें इसको सेव, रिफ्रेश, सब कुछ ही ख़त्म। एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो सकती है हमारे पास कि जिसने सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, और वो ये है कि आप वेरिएबल में कभी भी स्पेस भी ऐड नहीं कर सकते।
एक ही नाम के दो वेरिएबल्स नहीं बन सकते। वेरिएबल्स में आप कभी भी स्पेस ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अब इस स्पेस को मैं ख़त्म कर देती हूँ, ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम है, मैं जस्ट एन को कर दूँगी कैपिटल ताकि ये थोड़ा चेंज हो जाए। यहाँ पे भी आप इसको, जहाँ आपने इसको कॉल करवाया, यहाँ पे भी स्पेस भी ख़त्म करें और कैपिटल एन राइट करके कंट्रोल एस कर लें। रिफ़्रेश करें। गेट ऑफ नॉलेज, गेट ऑफ नॉलेज दो दफ़ा लिखा आ रहा है, इसके अलावा कुछ राइट किया हुआ नहीं आ रहा। क्यों नहीं लिखा आ रहा? क्योंकि ये भी मेरे पास कैपिटल है और नीचे वाला एस भी कैपिटल है। मैंने आपको बताया ना कि ये केस सेंसिटिव है, तो इट्स मीन जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है वो एज इट इज़ स्क्रिप्ट में आपने कॉल करवाना है। कंट्रोल एस कर लेते हैं एंड यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, भी कुछ नहीं शो हो रहा, जस्ट गेट ऑफ नॉलेज के। अब क्या मिस्टेक है? आपको केस सेंसिटिव समझा रही हूँ कि छोटे छोटे छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी ये पकड़ लेता है। यहाँ पे अब सी ऐड है, सी ऐड नहीं है सॉरी, और यहाँ पे सी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप सी ऐड करें। अब कैपिटल ऐड कर रही हूँ मैं जबकि मुझे स्मॉल ऐड करना है, यहाँ पे भी स्मॉल सी ऐड कर लें। अब कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, तो गेट ऑफ नॉलेज भी आ गया, दारे अरकम भी आ गया, कंट्री स्कूल भी आ गया। थ्री रूल्स अभी तक मैंने आपको समझा दिए। एक तो टेक्स्ट को स्ट्रिंग बनाना है, दूसरे नंबर पे एक ही नाम के दो वेरिएबल नहीं बनाने, वेरिएबल में कभी भी स्पेस ऐड नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या रूल है, पेस्ट कर लिया ऊपर वाले को और जस्ट यहाँ पे मैं स्टार्ट पे ऐड कर रही हूँ वन, ठीक है। नेम अगर आप चेंज करना चाहें स्कूल के तो आप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। वन स्कूल नेम पब्लिक स्कूल, एक वेरिएबल मैंने बना लिया है, इस वेरिएबल को यहाँ पे मुझे करना है कॉल। जस्ट यहाँ पे आप ऐड कर दें वन, ठीक है। ऊपर मैंने फोर वेरिएबल अभी तक बना चुकी हूँ, वन टू थ्री एंड फोर, और फोर टाइम इसको कॉल भी करवा चुकी हूँ। यहाँ पे लास्ट मैंने बनाया है वन स्कूल नेम, वन स्कूल नेम मैंने कॉल भी करवाया। कंट्रोल एस कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो फिर से सब कुछ गायब हो गया है। गाइस बहुत पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, बहुत बारीकी वाले पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे से समझना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि हमारे पास मसला क्या बना है। फोर्थ नंबर पे जो रूल है वो ये कि आप वेरिएबल को कभी भी इंटीजर्स यानी के नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, ठीक है। नंबर से आप स्टार्ट इसको नहीं कर सकते, इवन कि आप इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लें, ठीक है। जैसे कि शिफ्ट और माइनस का अगर हम यूज़ करें तो अंडरस्कोर बन जाता है, यहाँ पे भी अब आपको मैं अंडरस्कोर राइट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि जो वेरिएबल बनाया जाता है उसी के नाम का इसको कॉल करवाया जाता है। अब इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो गेट ऑफ नॉलेज, दारे अरकम, कंट्री स्कूल एंड पब्लिक स्कूल आ रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, फर्स्ट वेरिएबल में था मेरे पास गेट ऑफ नॉलेज, देन दारे अरकम, कंट्री स्कूल एंड पब्लिक स्कूल, आपको फोर के फोर नज़र आ रहे होंगे। तो फोर रूल्स भी बता चुकी हूँ कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करेगा, नंबर वाला ऐड नहीं कर सकते। अब मैंने लिखा स्कूल नेम वन कंट्री स्कूल, ठीक है। कंट्री को यहाँ से रेज करके कुछ और राइट कर लें, आर्मी स्कूल मैंने राइट कर दिया। अब इसको यहाँ पे कॉल भी करवाएं, पहले मैंने नंबर स्टार्ट पे ऐड किया था, अब मैंने लास्ट पे ऐड कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, क्या
अंडरस्कोर को यहाँ से आप रेस कर दें, कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, तो हमारे पास आर्मी स्कूल भी आ गया। गेट ऑफ नॉलेज, दारे अरकम, कंट्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, आर्मी स्कूल, यानी कि अगर आप नंबर्स को स्टार्ट पे ऐड करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन आप वेरिएबल के लास्ट पे नंबर को ऐड कर सकते हैं। इवन के आप इसको कहीं मिड में भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेंटर में 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 ऐड कर देती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ, रिफ्रेश, तो ये गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ से मैंने 1 रिमूव किया, लेकिन जब मैंने कॉल करवाया तो 1 रिमूव नहीं किया। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, तो ये देखें, यानी कि आप नंबर को जस्ट स्टार्ट से, ठीक है, वेरिएबल को नंबर से बस स्टार्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप सेंटर में कोई लास्ट पे ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स था और वेरिएबल्स के कुछ रूल्स थे। वेरिएबल्स की आई होप आपको समझ आ गई होगी, जो बात मैंने स्टार्ट पे बोली थी वो मैंने प्रूफ भी की है कि वेरिएबल एक नाम है हमारे पास जिसको एक वैल्यू साइन कर दी जाती है, तो ये भी सच है। फिर मैंने कहा कि वेरिएबल अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर गेट ऑफ नॉलेज नहीं राइट करवाना था, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करें, कुछ और राइट कर लें, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तीसरी बात मैंने कही थी कि इसकी पहचान कुछ है और ये रिज़ल्ट कुछ देती है, तो इसकी वाकई पहचान कुछ है और ये रिज़ल्ट कुछ और शो करवा रही है। हर चीज़ को आपको मैंने प्रूव करके भी दिखाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। और एक और काम कर लेते हैं कि अगर आप इनको ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये सारा साथ साथ जुड़ा एक ही लाइन में इस तरह से आ रहा है, तो आप इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी गाइज, ये वेरिएबल्स हैं, आप बॉडी सेक्शन में आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये सबसे पहले जो मेरे पास एक वेरिएबल मैंने कॉल करवाया, उसके बाद मुझे चाहिए एक ब्रेक, मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक, ठीक है, टैग मैंने लगाया है ब्रेक का, इसको कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया है? क्योंकि यहाँ पे आपने इसको क्लोज भी करना है, ठीक है, इस तरह से। अभी भी कुछ शो नहीं हुआ, क्यों नहीं शो हुआ? इसको भी आपने क्या बनाना है, स्ट्रिंग। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे अगर आपको कुछ राइट करना है, पहले तो हम कॉल करवा रहे थे ना, वेरिएबल को कॉल करवा रहे थे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे थे। अब मैंने इस ब्रेक के टैग को कॉल नहीं करवाया, बल्कि डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो रूल बताया था कि आपने इसको स्ट्रिंग बना के राइट करना है, अगर इंटीजर ऐड करने हैं तो आपको कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट कुछ राइट करना है तो आपने इसको स्ट्रिंग बनाना है। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि गेट ऑफ नॉलेज सेपरेट हो गया इन सब से। इस तरह आप इस ब्रेक के टैग को उठाएं कंट्रोल सी से और हर एक के बाद इसको कर दें आप पेस्ट, ठीक है, रिफ्रेश करें, तो ये देखेंगे आप कि ये ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। तो ये थे आज का टॉपिक, हमारे पास वेरिएबल्स और उसके कुछ बेसिक रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, आज तो हमने टेक्स्ट राइट करना सीखा है, तो ऐसा करते हैं इंटीजर्स को भी साथ ही राइट कर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर के लिए जस्ट आपने करना क्या है, रूल तो आपको पता चल ही गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कोई नंबर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मैंने नंबर ऐड किया, इसको यहाँ पे कॉल भी करवा लें नीचे, आप इसको थोड़ा सा बस चेंजिंग कर लें, जैसे कि 2 यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि एक ही नाम के वेरिएबल नहीं कॉल करवाए जा सकते। तो मैंने यहाँ राइट तो कर लिया, लेकिन जस्ट आप 2 को रिमूव कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनर सी चेंजिंग आपने लाजमी करनी है। और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये आपने देखा कि मेरे पास नंबर्स राइट किए हुए आ गए हैं।
सकते हो आप ये ब्रेक का टैग फ़िलहाल ख़त्म कर दें, क्योंकि लास्ट पे आपको ब्रेक टैग की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास नंबर्स राइट किए हुए आ गए हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? अभी भी ये एक ही नाम के दो वेरिएबल्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इसलिए ये क्या कर रहा है, जो मैंने इसको बाद में वैल्यू दी है उसी को शो करवा रहा है। तो इट्स मीन मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कुछ, जैसे कि मैं कैपिटल ए कर देती हूँ, ठीक है। आपको बार बार खुद ब खुद ही प्रूव होता जा रहा है कि ये केस सेंसिटिव है, छोटी छोटी चीज़ों को पिक कर लेती है। मैंने अब इसको चेंज कर दिया है वेरिएबल को, अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये क्या हो गया, कंट्री नेम वापस आ गया और ये नंबर आ गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने इनको कभी भी स्ट्रिंग नहीं बनाना। स्ट्रिंग बनाएंगे ये लिखा हुआ तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको प्लस माइनस करना चाहते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन ये वर्क नहीं करेंगे। तो आप ये स्ट्रिंग को रिमूव करके देन आप इंटीजर्स को लिखें, ठीक है। जब आपका स्ट्रिंग के बगैर गुजारा हो रहा है तो ज़रूरत क्या है नंबर्स के साथ आपको डॉट्स लगाने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। चलें जी, होप्स हो के समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से लर्न करने को मिलेंगी। प्यार बरसाएं, अपना लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।